हाय गाइस, रफली 20 डेज रिमेनिंग फॉर महाराष्ट्र लॉ सिटी 3 इयर्स 24 एग्जामिनेशन। तो 20 डेज में 20 मॉक लिखने हैं अपने को, बट उसके पहले आई एम श्योर एवरीवन प्रिपेरिंग वेरी वेल फॉर द एग्जामिनेशन। 120, 110, 125, 130 जो भी आपका स्कोर टारगेट है, जो भी कॉलेज को लेकर के, ठीक है, लगे रहो। और अगर आपका मॉक में स्कोर नहीं आ रहा है, सो आई मीन इन विच सेक्शन यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है, मुझे कमेंट में लिख के बताओ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो होगा हाउ टू मैक्सिमाइज स्कोर, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो वो मुझे कमेंट में आपसे चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये सारे इश्यूज बहुत सारे बच्चों के आ रहे हैं, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू पीपल एज वेल। 20 डेज में आपको 20 मॉक लिखना, अगर आपने मॉक लिखना चालू नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने हर वीडियो में बोला हुआ है कि अलॉन्ग विद योर प्रिपरेशन यू हैव टू राइट द मॉक टेस्ट। डोंट वेट कि मैं पूरा सिलेबस खत्म करूंगा देन आई विल राइट द मॉक टेस्ट, विच इज द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू। Every year this mistake done by in fact many of the aspirant. So definitely यार avoid करो ये सारी mistakes, ठीक है। ये वीडियो में mock कैसे लिखना है, mock में hurdles क्या आते हैं और score कैसे बढ़ाना है वो भी discuss करूँगा आपसे, ठीक है। So it is very very important video, watch it very carefully and three things you have to do before you watch the video. Video को like करना है, share करना है एंड channel को subscribe करना है। मैनुअल लॉ एंट्रेंस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर अपडेट, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजी, all these types of the video you will be getting. Let's get started. Yeah. So, सबसे पहले डिसाइड करो आपको कौन से कॉलेज में जाना है, GLC मुंबई में जाना है या ILS पुणे में। 110 के ऊपर आ रहा है तो ILS पुणे, 120 के ऊपर आ रहा है तो GLC मुंबई। अब ये कट ऑफ प्लस 5 से ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितने लोग एग्जाम लिख रहे हैं और कितने लोगों ने फोड़ा एग्जाम में, ठीक है ना। टॉपर्स 130 प्लस जाते हैं, तो अगर आप भाई टॉपर वाली कैटेगरी में अपने आप को काउंट कर रहे हो तो मेनुअर के मॉक में 120 लेके आओगे तो प्लस 5 प्लस 10 आपको एक्चुअल सीटी में आने वाला है, बिकॉज मेनुअर मॉक टेस्ट इज वन स्टेप टफर देन द एक्चुअल सीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। सो आई वॉन्ट कलर प्रिंट आउट निकालो, जो भी कॉलेज में आपको जाना है स्कोर मैंने बता दिया आपको, एंड स्टार्ट चेजिंग दैट। तो मेरा हमेशा बोलना होता है कि 120 या 130 या तो फिर सीटी में टॉप मारूंगा, ये एटीट्यूड के साथ पढ़ाई आपकी करो, ओके। सो ऑन योर मेन्यूअर पोर्टल देयर आर 20 मॉक टेस्ट, 150 क्वेश्चन, अराउंड 3000 क्वेश्चन यू आर प्रैक्टिसिंग गाइस, मतलब इसको आप टू टाइम्स अच्छे से कर लेते हो अगर, तो काफ़ी डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन तो मॉक से ही होने वाली है आपकी, ठीक है। मॉक जब भी आप लिख रहे हो तो मेक श्योर कि आप सीरियस होकर मॉक लिखो। हाँ, ये आपका एक्चुअल सीटी का पेपर है, ये एटीट्यूड के साथ आपको मॉक टेस्ट लिखना है, ठीक है। मॉक टेस्ट के लिए manuvideo.com पे यू कैन विजिट /lawentrance, डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा हुआ है, काइंडली चेक दैट। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड का सिनेरियो। 2018-2019 वाला जो सीटी था, प्री कोविड जिसको बोलते हैं, इट वॉज स्लाइटली टफर दैन द सीटी 2020-21-22-23। यार ये वाले जितने भी सीटी है वो बहुत ही अलग हो गए पोस्ट कोविड, ठीक है। ये वाले सीटी आई वुड से ईजी थे कंपेयर टू प्री कोविड वाले सीटी से, ठीक है। सो अभी ऐसा क्यों है सीटी वाले से पूछो, सीटी वाले बताएंगे, बट हाँ पेपर का लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी मॉडरेट पेपर। तो आपका मॉक का जो लेवल है, मॉक में जो टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन है, सारे फ्लेवर वाले क्वेश्चन आपके मॉक के अंदर है, ठीक है। सो जितने लोगों ने मॉक नहीं लिखा हुआ है, डू राइट द मॉक टेस्ट एंड अलॉन्ग विद दैट एनालिसिस एंड रिविजन, ये तीन चार चीज़ें आपको करनी है। इनफैक्ट अभी आपको क्या करने की ज़रूरत है, अभी आपको GK पे फोकस करना है, अभी आपको अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन, पजल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, आपको मॉक लिखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए, बाकी जो तो एरिया आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, उसको और बेटर बनाओ, जो वीक है उसको थोड़ा सा मैनेजेबल टाइप का, उसको थोड़ा मैनेज करने के हिसाब से क्वेश्चन टाइप देख लो, ठीक है। सो आई एम श्योर आपके पास फुल कोर्स प्रोग्राम अगर मेन्यूअर का है तो वीडियो है, लेक्चर, हैंडआउट्स, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज देयर, तो यहाँ से आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो। बाकी SBB बैच चली रही है तो इसके साथ आप SBB बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर फॉर एनी काइंड ऑफ अ डाउट एंड क्वेरी। सेक्शनल कोर्स अगर आपका GK वीक है, इंग्लिश वीक है, तो आप सेक्शनल प्रोग्राम चेकआउट कर सकते हो, और अगर आपको सिर्फ मॉक चाहिए तो यू कैन चेकआउट द मॉक प्रोग्राम एज वेल, ठीक है। डेली का एक मॉक लिखना है अपने को गाइज, डेली का अपने को एक मॉक लिखना है। जितनी भी पढ़ाई आपकी हुई है, पूरी हुई है, पार्शली हुई है, जस्ट स्टार्ट किया, डजेंट मैटर, आप मॉक या डेली का लिखो। आई एम ओके अगर आपका मॉक में स्कोर कम आ रहा है, यू आर स्कोरिंग लेस इन मॉक, तो डीमोटिवेशन आता है वगैरह वगैरह, ये चीज़ होगी, तीन चार मॉक के बाद आपको चीज़ें स्मूथ होते हुए दिखेगी, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए
यू गॉट द स्टडी मटेरियल एज वेल, ठीक है, या तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हो। सो नंबर ऑफ मॉक वर्सेस एनालिसिस, जितने भी आप मॉक लिख रहे हो स्कोर मेजरमेंट पे काम करो, स्कोर मेजरमेंट कि पहले मॉक में मैंने क्या स्कोर किया था, दूसरे मॉक में मैंने क्या स्कोर किया, तीसरे मॉक में मैंने क्या स्कोर किया, और स्कोर मेरा इम्प्रोवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चार्ट आपके पास होना चाहिए। मॉक से बेटर आपको कोई नहीं बता पाएगा कि हाँ आपको कहाँ मेहनत करनी है, कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो मॉक लिखने के बाद उसकी एनालिसिस अच्छे से करो। एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट, एज आई ऑलवेज से, एनालाइजिंग द मॉक टेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन राइटिंग द मॉक टेस्ट। तो एनालिसिस अच्छे से करो। हर्डल जो आते हैं मॉक के अंदर, अगर हमारा स्कोर अच्छा आ गया तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, और अगर हमारा स्कोर कम आ गया तो वी बिकम अंडर कॉन्फिडेंट। ओवर अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले आपके जेन्युइन अटेम्प्ट पे जाओ, फिर तुक्का मटका जितने भी करने हैं आपको करो, बट पहले जेन्युइन अटेम्प्ट कितने हैं आपके। सिली मिस्टेक्स अवॉइड करो, बाय डिफॉल्ट आपके प्लस 5-10 मार्क्स तो बढ़ जाएंगे यहाँ से। पहले एक्यूरेसी पे काम करो, क्वेश्चन राइट होना जरूरी है, उसके बाद स्पीड पे आओ। एंड पास्ट मॉक एनालिसिस, यार नेक्स्ट मॉक जब आप लिखने जा रहे हो ना, उसके पहले आपका पास्ट जो प्रीवियस वाला मॉक है उसकी एनालिसिस आप अच्छे से करके फिर लिखो। उससे क्या होगा कि आपने पास्ट मॉक में जो भी गलतियाँ की थी वो नेक्स्ट वाले मॉक में नहीं करोगे आप। ऑल्सो एज आई मैंशन, वेन यू आर राइटिंग द मॉक, सीरियस होके मॉक लिखो। सीरियस आई मीन टू से कि हाँ ये आपका एक्चुअल सीईटी का एग्ज़ाम है आपका। मेक श्योर बेडरूम लॉक रहे, फ़ोन स्विच ऑफ करके रखो, ठीक है, या साइलेंट मोड पे रखो, एंड फोकस ऑन योर मॉक। अलॉन्ग विद, वेन यू आर राइटिंग द मॉक टेस्ट, रफ पेपर लेके बैठो, पेन लेके बैठो, वाटर बॉटल लेके बैठो, टाइमर लगा हुआ है मॉक के अंदर। रफ पेपर आपको एक्चुअल एग्जाम में भी मिलेगा, वाटर बॉटल यू हैव टू कैरी, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर लेना। हर मॉक में ये फीलिंग आनी चाहिए, यार ये सीईटी का मेरा रियल एग्जाम है, लास्ट एग्जाम है, अगर यहाँ स्कोर नहीं बना तो मैं क्या करूँगा, कौन से कॉलेज में जाऊँगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वरीडनेस हर मॉक में चाहिए, ठीक है। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है टुवर्ड्स द मॉक टेस्ट तो स्कोर भी नहीं बनेगा गाइस, लेट मी टेल यू दिस पार्ट। सो नेक्स्ट रिमेनिंग डेज डू राइट द मॉक एनालिसिस, रिविजन करनी है, और जीके पे एग्रेसिवली काम करना। अभी राइट टाइम है जीके एंड अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन पे काम करने का, ठीक है। ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर इस साल अपना सीईटी में स्कोर नहीं बना, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दी कॉलेजेस, और सीईटी अगले साल आएगा, तो भाई 20 दिन बचे हुए हैं, मेहनत कर लो, अच्छा स्कोर लेके आओ, एंड गेट इन टू दी गुड कॉलेज फॉर योर करियर, ठीक है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मॉक को लेके, कोर्सेज को लेके, आई हैव मेंशन अ डिस्क्रिप्शन, SBB बैच इफ़ यू वांट टू जॉइन, उसका भी डिस्क्रिप्शन में, उसका भी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, काइंडली चेक इट। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मेरा एक 20 डेज या 15 डेज प्लानर वाला आएगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेश्चन प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।